हर एक इंसान में दो ट्रेट्स होते हैं, IQ और EQ. तो दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली उसमें है. IQ है, शी इज़ लाइक वेरी पेशेंट, बहुत ज़्यादा पेशेंट. मतलब एक ऐसा इंसान जिसको आप नाच लें थोड़ा सा बताएंगे आगे की कहानी थोड़ी देर बाद बताएंगे. She is just a very good and good human being. एकदम pure है, मतलब उसके उसमें no filter है. एक तो वो स्पीकिंग अबाउट माई रिलेशनशिप विद अमृता दी, तो वैसे तो हम भाई बहन है, लेकिन देखा जाए तो मेरी उनके साथ जो रिलेशनशिप रही है वो एज अ फ्रेंड ज़्यादा रही है. मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहा हूँ उनसे बचपन से ही, एंड शी इज़ वेरी स्वीट. और आप कोई भी पीस ऑफ एडवाइस के लिए यू कैन जस्ट गो अप टू हर और आप पूछ सकते हो, बता सकते हो, एंड शी विल कैजुअली गिव वॉट एवर कम्स इन हर माइंड. और शी इज़ वेरी पेशेंट दैट वे, मतलब आपको कभी जज नहीं करेंगी कि यार अभी नहीं यार, या मेरे पास वक्त नहीं है. शी विल नॉट शो योर कि कोई टैंट्रम्स दिखा रहे हैं या कोई नखरे दिखा रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा. शी इज़ वेरी जेंटल दैट वे. वो बहुत ही अमेजिंग पर्सन है. चाहे आप उनसे कोई अननोन भी उनसे मिलेगा, शी विल बी लाइक अ फ्रेंड एंड इट विल बी नोन टू हर वेरी इजीली. वो मुझे इक्वल समझती है. कभी उन्होंने ये नहीं बोल समझा मुझे कि मैं उनसे छोटी हूँ तो मैं उनको कुछ बोल नहीं सकती या मैं उनको कुछ कह नहीं सकती. बट हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है हर चीज़ में, हर करेक्ट पाथ दिखाया मुझे किसी भी चीज़ के लिए. और जितनी स्वीट है उससे ज़्यादा उनकी स्वीट वॉइस है. और उनसे जो भी एक बार मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं. और वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं हम सबको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और डेडिकेटेड है अपने काम को लेके. तो मेरे लिए तो वो आइडियल है, मुझे बहुत अच्छी लगती है. सो एवर इमेजिनड अ पर्सन हु इज द मोस्ट जेन्युइन वन एंड नेवर जजेस अदर्स एंड लाइक शी कैन से एनीथिंग टू योर फेस, दैट्स अमृता दी फॉर मी. एट दिस मोमेंट वी ऑल आर इमोशनल फॉर हर एंटरिंग अ न्यू फेज ऑफ लाइफ, सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हर. मस्ती, डांस, खाना पीना, ऐसा बात आता तो उनको घर में ताने ही बहुत मिलते हैं. दीदी की बहुत ही ज़्यादा सूदिंग प्रेजेंस रहती है, बहुत ही कामिंग प्रेजेंस एकदम. और उनसे बात करते रहते हैं तो इतना कब टाइम निकल जाता पता ही नहीं चलता. और ऐसा लग रहा है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद बात हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है यार कल ही तो मिले थे. पढ़ाकू है हमारी सिस्टर
और अगर उसका कोई एम है तो फिर वो उसको अचीव करने के लिए अपना सब कुछ लगा देती है। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। अब इस समय मैं अभी थोड़ा सा इमोशनली हूँ उसके लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इतने साल के बाद अब भाई आज हम अपनी बहन को किसी के यहाँ कन्यादान करेंगे, तो सच में मेरे लिए भी बहुत, मतलब ये चीज़ मैं अभी आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा। एंड आई लव हर सो मच। हो कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे ना धागे, टूटेंगे ना धागे, टूटेंगे ना धागे। हाथ मेरा थामा तूने तेरी मेहरबानियाँ, मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियाँ। मधाणियाँ हाय बे मेरे डाडे रब्बा, कि ना जमिया कि ना ने ले जानिया है। Congratulations, Swarani! Best wishes for your future! We love you!